है फूड गुरु टू से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो चलिए आज हम बनाते हैं हेल्दी बीटरूट और टमाटो का जूस। बीटरूट के बहुत सारे गुण होते हैं, आप जानते हैं, इससे ब्लड भी बनता है और ये हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है। टमाटर भी उसी तरह हमारे लिए ब्लड के लिए अच्छा है, हमारी स्किन ग्लो होती है। तो इन दोनों से जो जूस बनता है वो बहुत ही हेल्दी होता है। अभी हमने सबसे पहले क्या करना है, बीटरूट को अच्छी तरह से वॉश करके उसका स्किन निकाल के उसे कद्दूकस कर लेंगे। टमाटर को भी वॉश करके उसके पीसेस में काट लेंगे। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। देखिए हमने बीटरूट को बहुत अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है, टमाटर को हमने फाइन चॉप कर लिए और ये हमारे पास जूसर का जार है। अब हमने क्या करना है, टमाटर और बीटरूट दोनों को इसमें डालना है। उसके ऊपर से हमने स्वाद अनुसार काला नमक, चुटकी भर ब्लैक पेपर और जीरा पाउडर डाल के उसे चला लेंगे। जूस रेडी है, इसे स्ट्रेन कर लेते हैं और सर्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया ताजा ताजा हमारा ये बीटरूट जूस बनके तैयार हो गया, बीटरूट और टोमेटो का। इसके अंदर हमने ये देखिए एक नींबू का रस निकाला है, एक हमने बड़ा सा नींबू लिया है। ये नींबू के जूस से और स्वाद इसका बढ़ जाता है। बस अभी इसमें नमक और जीरा मिर्च और काली मिर्च का हमने डाल दिया ऑलरेडी, इसके ऊपर से पुदीने के पत्ते डाल के इसे हम सर्व कर देते हैं। बस देखिए हमारा एकदम रिफ्रेशिंग हेल्दी बीटरूट टोमेटो का जूस बन के रेडी हो गया है। जो बीटरूट है ये आपको हर सीजन में मिल जाते हैं पूरा साल भर, तो इस तरह से आप बनाइए। गर्मियों में थोड़ा सा ठंडा करके पीजिए, जैसे भी पीना है, प्लेन भी आप इसे पीजिए, लेकिन ये बहुत हेल्दी है और आप ये पी के एंजॉय कीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है बताइए, और जिनको जिन्होंने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इसी तरह की हेल्दी रेसिपी के साथ आपको मिलती रहेगी। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।